डीएनपी इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देश को गौरवगान देने वाले रविंद्रनाथ टैगोर की आज यानी शुक्रवार को 19वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। आज ही के दिन 7 अगस्त 1941 को रविंद्रनाथ टैगोर ने इस संसार से अलविदा ले लिया था। महाकाव्य गीतांजलि के लिए टैगोर को साहित्य का नोबेल दिया गया था। साहित्य में नोबेल जीतने वाले वह अकेले भारतीय नागरिक है। टैगोर एक बहुआयामी प्रतिभा की शख्सियत के मालिक थे, इसलिए दुनिया उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जानती है। टैगोर की पुण्यतिथि पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत भाजपा नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। आज हम आपको बताएंगे उनकी कुछ अनमोल बातें, उनके जीवन के कुछ रोचक तथ्य। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम हर भारतीय के दिलों में सम्मान, गर्व और प्रशंसा का प्रतीक है। चाहे वह साहित्य हो, कला हो या स्वतंत्र भारत के लिए स्वतंत्रता आंदोलन हो, गुरुदेव ने इसमें एक शेर की तरह योगदान दिया। उनका जन्म 7 मई 1861 को हुआ था और उन्होंने भारतीय समाज के विकास में बहुत योगदान दिया। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन उनके द्वारा ही लिखा गया था। वास्तव में बांग्लादेश जिस राष्ट्रगान का अनुसरण करता है, वह भी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ही लिखा गया था। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम आपको कुछ ऐसे कोट्स और मैसेजेस बताने जा रहे हैं जो कि आपके हृदय में एकांत लाएंगे। मित्रता की गहराई परिचय की लंबाई पर निर्भर नहीं करती। मौत प्रकाश को खत्म करना नहीं है, यह सिर्फ भोर होने पर दीपक बुझाना है। फूल की पंखुड़ियों को तोड़कर आप उसकी सुंदरता को इकट्ठा नहीं करते। हमें इतना खूबसूरत और मनमोहक राष्ट्रगान देने वाले रविंद्रनाथ जी ने हमारे देश का राष्ट्रगान तो उनका लिखा है ही, साथ ही बांग्लादेश का एंथम भी उन्हीं का लिखा है। भारत का जन गण मन और बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला उन्हीं की रचनाएं हैं। वहीं श्रीलंका का राष्ट्रगीत श्रीलंका मथा भी टैगोर की कविताओं की प्रेरणा से बना है। इसे लिखने वाले आनंद समरकुंड शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर के पास रहे थे और उन्होंने कहा था कि वे टैगोर स्कूल ऑफ पोएट्री से बेहद प्रभावित थे। वो शायद पहले ऐसे शख्स हैं जिन्हें यह खास उपलब्धि हासिल की हुई है।